अभी टोटल 18 पेंगुइन्स है। पहले आए थे तभी 7 ही थे, उसके बाद 3 पेयर फॉर्म करके उन्होंने हर साल चार पांच बच्चे पैदा करके अभी 18 हो गए टोटल। ये अभी 3 हो गए हैं, वो अराउंड 4-5 महीने के हैं। जेरी, स्टेला और कोको, तीन फी दो फीमेल है और एक मेल है। पहले 2-3 महीने के लिए वो तो पेरेंट्स के साथ रहते हैं, पेरेंट्स उनका फिश खाते हैं, थोड़ा डाइजेस्ट करके वापस निकालते हैं और फिर वो बच्चों को देते हैं। 3-2 महीने के बाद वो हमसे डायरेक्ट फिश खाते हैं, मोस्टली बांगड़ी, तारली, बोमबिल, ऐसे टाइप के फिश हम उनको देते हैं। 3-4 महीने के बाद वो टोटली पेरेंट्स से सेपरेट हो जाते हैं और फिर हम उनका ख्याल रखते हैं। डे टू डे ट्रीटमेंट वैसे ज़्यादा कुछ रहता नहीं है, सिर्फ जब छोटे होते हैं बच्चे तब हम उनका वजन लेते हैं, वजन बराबर बढ़ रहा है या नहीं देखते हैं। जैसे छोटे बच्चों का ख्याल रखते हैं वैसे ही इनका ही रखना पड़ता है। पेरेंट्स से खाना बराबर मिल रहा है या नहीं, नहीं मिल रहा होगा तो हम उनको 1-2 बार दिन में दे देते हैं। और विटामिन और ये सब जो सप्लीमेंटेशन होता है वो भी हम लोग दिन में पूरा उनको दे देते हैं। टोटल 4 डॉक्टर और 4 जू कीपर्स हैं। मेरे नीचे 3 डॉक्टर और 4 जू कीपर्स हैं। 4 जू कीपर्स हैं, वो सब साफ सफाई करते हैं एग्जिबिट का, फिश काटते हैं, फिश साफ करते हैं। इनको पकड़ना होगा कुछ ध्यान देने के लिए तो वो भी वो करते हैं। और हर डॉक्टर्स की शिफ्ट होती है तो 24 घंटा में एक डॉक्टर और एक कीपर कोई तो यहाँ पे रहता ही है।